साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। NIOS और CBSE में मज़मून लिखने के लिए आते हैं, 10वीं जमात में भी और 12वीं में भी। तो उसके लिए मैंने आपके लिए निकाला रक्षाबंधन में उर्दू में मज़मून। रक्षाबंधन क्या है? हिंदुओं का अहम त्यौहारों में से एक रक्षाबंधन भी है। ये त्यौहार बहुत साफ़ सुथरा त्यौहार है। इसमें ना तो होली की तरह एक दूसरे पर रंग फेंका जाता है और ना ही दिवाली की तरह पटाखे वगैरह जलाकर घर खूब तमाशा देखा जाता है, बल्कि ये त्यौहार बहन और भाई के पाक रिश्ते की मजबूती की याद दिलाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के हाथ पर राखी बांधती हैं और भाई ये अहद करता है कि वह जिंदगी भर अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत करेगा। होली और दिवाली की तरह रक्षाबंधन का त्यौहार भी पूरे मुल्क में मनाया जाता है। इस दिन हिंदू लोग सुबह सवेरे उठकर गुसल करके अच्छे अच्छे कपड़े खुद भी पहनते हैं और अपने बच्चों को भी रंग बिरंगे कपड़े पहनाकर खूब सजाते हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए खूबसूरत राखियां खरीद कर लाती हैं, फिर एक थाली में मिठाई, चंदन और राखी सजाकर अपने भाई के पास लाती हैं। पहले भाई के हाथ पर राखी बांधती है, फिर माथे पर चंदन का टीका लगाती है, उसके बाद भाई का मुँह मीठा कराती है। बहन के इस इजहार मोहब्बत के जवाब में भाई अपनी बहन को नकद रकम या कोई तोहफा पेश करता है और बहन के सर पर हाथ रखता है, और इस तरह दोनों भाई बहन जज्बाए मोहब्बत को ताज़ा कर देते हैं। अगले उस पे भी है, राखी बांधने की रस्म साल के साल बहन भाई की पाकीज़ा मोहब्बत को बेदार करने का एक मुकद्दस पाक रस्म है ये, जो कि भाई बहन के बाहमी मोहब्बत और खलूस के रिश्ते को नई मजबूती बख्शने और एक दूसरे में मोहब्बत और हमदर्दी का नया जज्बा पैदा भरने का जोश और अच्छे तरीके हैं, जिसके ज़रिए बहन भाई के दिलों में मोहब्बत व प्यार की नई लहरें दौड़ने लगती हैं। बहन के मोहब्बत और उसकी हिफाजत का जज्बा मौजे मारने लगता है। दिल्ली में इस त्यौहार के मौके पर बाज़ारों की रौनक देखने के लायक होती है। जिस तरफ देखो उधर ही रंग बिरंगी खुशनुमा राखियाँ जगमग करती नज़र आती हैं। हलवाई भी किस्म किस्म की मिठाइयाँ बनाकर दुकानों को खूब सजाती हैं। ये देखिए एक फ़ोटो, बहन जो है भाई के हाथ पे राखी बांध रही है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब। शुक्रिया।